जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप लग आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे ब्लॉग में नए हैं तो जल्दी से जाइए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ मेरी ब्लॉग स्टार्ट होता है। सुबह के बज चुके हैं 8:30। आप भी सोच रहे कि मैं ऐसा क्या करने जा रही हूँ सुबह इतना जल्दी उठ के। तो दोस्तों, आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, क्योंकि काफ़ी सारे काम पड़ा हुआ, पूरा रूम ऐसा फैला हुआ है, क्योंकि कुछ गेस्ट भी घर में आएंगे, सिस्टर वगैरह आएंगे। फिर मैं उठी, अपना जैसे डेली रूटीन है मेरा, सुबह गर्म पानी पीना और अपना सूखी मेथी के दाने खाना। तो मैं मस्ती भी कर रही थी और साथ ही के साथ मैं कुछ सोच भी रही थी कि पता नहीं क्या चल रहा था मेरे दिमाग में। फिर मेरा ध्यान इस पर गया, बिग डू पे, और देखो कैसे ये देख रहा है घूर के, ये बोल रहा मुझे तो पूछ ही नहीं रहा कोई। तो फिर इसी के साथ मेरे हस्बैंड मुझे चढ़ाने लगे, कह रहे पानी और पी ले, कितनी पतली होगी, बस बहुत है। तो फिर मैंने बोला नहीं अभी नहीं, लेकिन साथ ही साथ मैं सोच भी रही थी क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि शाम को जब सिस्टर वगैरह आ जाएंगी तो पूछूंगी कि क्या बनेगा बता दो। फिर मैंने क्या करा, गर्म पानी पिया, सारा काम फिनिश किया फटाफट। फिर मैं नहा धो करके अपना हो गई रेडी, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि बिना पूजा पाठ करे मैं कुछ खाती नहीं हूँ। तो फिर खा पी करके मैं हो गई थी फ्री बिल्कुल। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं जा करके पूजा पाठ करके आऊँ। फिर मैंने एक तो क्या है ना, पता नहीं क्या हो रहा है, 2-3 दिन से ना गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी दोस्तों, तो मेकअप वेकअप करने का मन ही नहीं करता, सिर्फ 5 मिनट में हो जाओ तैयार। पूजा करने के बाद मैंने अपना सेब वगैरह खाया, क्योंकि मेरा डेली का रूटीन बन चुका है, क्योंकि मैं हैवी ब्रेकफास्ट तो करती नहीं हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो खाती हूँ अपना नॉर्मल वही खा लूँ। शाम के बज चुके हैं 6:30। मैंने बोला कि क्यों ना अब चाय बना लूँ, सिस्टर आने वाली है। लेकिन अब इसमें भी एक इशू है, क्योंकि हमारी जो मम्मी है उनको थोड़ा कम चाय पत्ती पसंद है और सिस्टर को थोड़ी कड़क। तो मैं सोचा दो ही जगह बना लेती हूँ चलो, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है दोबारा से। आप देख ही रहे हो कि कितना पसीना आ रहा है। फिर भी मैंने बोला कि कोई बात नहीं, बाहर से कोई आता है तो चाय तो पिलानी चाहिए। तो फिर मैंने चाय बने रख दी, साथ के साथ मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि बनाने अगर बनाने की टेंशन मेरे पे है तो सोचना ही पड़ता कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बनेगा क्या नहीं, पता ही नहीं चल रहा था। मैंने चलो बाद में देखती हूँ। मैंने बोला कि चलो मैं सब्ज़ी बना आलू की सब्ज़ी बना ली थी मैंने पूरी, क्योंकि मैं काफ़ी देर से इन लोगों से पूछ रही थी, एक दूसरे पर टाल मटोला कर रहे थे और लगभग 8:30 बज चुके थे और खाना बन के तैयार बिल्कुल भी नहीं था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने बोला कि मतलब एक तो गर्मी हो रही है, कोई बता नहीं रहा कि कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से मैंने सोचा कि पूरी सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ। फिर मैं अपने कमरे में आई, ये बैठे हुए हैं सारे देवा, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक तो इन लोगों को आलस इतना भरा हुआ है कि जैसे मतलब कैमरे का फोकस जाता तो तुरंत देख जाता है कि हाँ हम भी हैं, नहीं तो ऐसा सोते कि हम तो हैं ही नहीं, हमें तो कोई जानता ही नहीं, हम किसी को नहीं जानते। यह है मेरी सिस्टर बीच वाली, यह है मेरा सबसे छोटा बाबू बेचारा, मैं पूछ रही हूँ भूखा है, कह रहा हाँ भूख लगी है, क्योंकि आया हुआ है, इसको भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। मैं चल कोई नहीं, मैं खाना बना के लाती हूँ, फिर खाना खा लियो। तो गाइस, क्योंकि आज का दिन हमारा काफ़ी अच्छा रहा, केक में कटिंग भी करी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था मेरे को, मतलब ये। फिर 23 सितंबर को था मेरे देवर का बर्थडे जो आज है, तो हमने नाइट में देवर का बर्थडे सेलिब्रेट किया और हस्बैंड का किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया मेरी वीडियो नहीं बनानी है। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में इसी के साथ, जब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता को प्यार कीजिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।